इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। एक जो ग्रुप है हमारे यहाँ, वो ये भी कह रहा है कि ये इंडिया ने करवाया है, इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक ये हजारा कम्युनिटी के साथ हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि यू नो पहली बार हो रहा है। जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुआ है, ये अंदरूनी सिंध में भी हुआ है, ये कराची में भी हुआ है, ये बलोचिस्तान में हो गया है। तो शिया किलिंग, शिया टारगेटिंग, ये कोई नई बात नहीं है। कितने तो डॉक्टर, कितने तो इंटेलेक्चुअल मार दिए गए कराची में जो महाजिर थे। तो अगर हम ये बोलें कि नई बात है तो बिल्कुल नई बात नहीं, पर इससे ज्यादा मुझे दुख उसका नहीं हुआ जितना ज्यादा दुख, ठीक है जाने गई, इसका बहुत दुख है। जो हजारा थे उनको, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको मर गया ना, तो उससे ज्यादा दुख मुझे ये है जो शेख रशीद साहब गए थे वहां पे और शेख रशीद साहब ने जो बातें करी वहां पे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो पाकिस्तान का मामला है और मुझे ऐसा कोई बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूँ। मुझे लगता है कि बड़े गैर संजीदा किस्म के इंसान हैं वो। पाकिस्तान को कोई एक, जिसको कहते हैं ना कि एक, अक्सर एक कहा जाता है कि रियासत माँ होती है। जो लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की, अपने दोस्तों की लाश लेके सड़क पर बैठे हैं, उनसे आप कह दें कि साहब वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कैश मांग रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं। उन्होंने कभी मांगा भी नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। और जहां तक आपकी ये बात है कि इंडिया ने मारा, वो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इसमें तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए कि इंडिया ने मारा। कहते हैं पानी ज्यादा छोड़ दिया पीछे से इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बाढ़ आ गई, टिड्डी आ गया थे तो वो भी इंडिया ने कर दिए, और सभी इंडिया ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाल बेहतरी की तरफ तभी जाएगा पाकिस्तान में, जब मानेंगे कि ठीक है, हो सकता है इंडिया आपका दुश्मन है, हो सकता है इंडिया साजिशें भी करता हो, लेकिन अगर इंडिया की 100 गलतियां हैं, अगर आपके साथ 100 चीजें बुरी हो रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि 95 इंडिया कर रही है, आपको लगता है ना हम दुश्मन है, काफिर है, ठीक है कर रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं हम मान भी लेते हैं नाम के लिए ना कि इंडिया कर रही है, तो कहीं ना कहीं 100 में से 5 तो पाकिस्तानी भी सोचें कि यार ठीक है इंडिया वाले बुरे लोग हैं ना, 95% तो इंडिया वाले बुरे हैं, लेकिन हो सकता है 5% हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो वो देखना चाहिए कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया क्यों मरवाएगा हजारों को, किस चीज के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मरवाया शियाओं को, इंडिया क्यों मरवाया, इंडिया का क्या फायदा है? हर चीज के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा। बस एक, जिसको कहते हैं ना कि एक शगुफा छोड़ दिया हवा में कि इंडिया ने करवाया था, बस कहानी खत्म। तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, रियासत ना होती है, सबसे कोई संजीदा किस्म का इंसान, अब इनकी तो हरकतें भी ऐसी हैं कि इनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं समझ में आता। और जहां पे इमरान खान, वो आपके वो क्या नाम है, जुल्फी साहब है उनका पूरा नाम, मैं भूल जाता हूँ, जुल्फी बुखारी वो साहब, वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं। जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा है कि मसाकी साहब वो गए तो उन्होंने बोला कि इमरान खान के लिए तुम क्या करोगे, और मैंने तो मतलब ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये यू नो कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। जो अपने अपनों की लाश लेके बैठे हैं, 4-5 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करिए, एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की तरह बातचीत करिए, हो सकता है मसले का कोई हल निकल आए। आप अच्छा चलिए, इंडिया तो बुरा है, आप कह रहे हैं इंडिया ने मरवा दिया, ठीक है चलिए आपकी शो है, मैं एक बार के लिए एकेडमिकली स्पीकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूँ कि इंडिया ने, चलो इंडिया ने मरवा दिया, क्यों मरवाया ये छोड़िए, इंडिया ने मरवा दिया, आपने बोला हमने मर गया, क्या जरूरत है भाई? जिनके घर में जो लोग गए हैं, जो लोग जिनके घर में छिप हुए हैं, लोग मरे हैं, आप उनको उनको जाके जलील क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने बोला शेख रशीद को कि अपने बंदों को जाके जलील करो, मुझे ये तो बात ही समझ के बाहर है मेरे जी। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर ये चीज़ तो बहुत एम्बैरेसिंग है जिस तरीके से जुल्फी बुखारी ने बात की और शेख रशीद ने बात की, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज में एक ये आपने ट्रेंड नहीं देखा है मेजर साहब के, जब भी कोई बात होती है
तो वहां पे कह देंगे पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में खासतौर पे कुछ हो तो फौरन ही भारत का नाम ले लेते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, सिंध में भी भारत का नाम लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भारत का नाम लेते हैं, उसका रीजन है। और मैं आपको, मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए आरजू जी ये बात कर रहा हूँ, इसमें इशू ये भी है आरजू जी की, कहीं ना कहीं जब आपने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कंस्ट्रक्ट बताया था ना, ये जो जानवर है ना जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं, दिस एनिमल सो टू से, ये इसको इसको दुश्मन चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का दुश्मन नहीं होगा तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट किस काम का? अगर आपने फौज को इक्तदार में बैठाना है तो फिर आपको तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि साहब आपका ये दुश्मन है इसलिए फौज इक्तदार में बैठी है, कुछ तो आपको टारगेट देना पड़ेगा लोगों को, वरना लोग कहेंगे साहब ये जनरल साहब की 15 करोड़ की कोठी कैसे है, इनकी तो तनख्वाह इतनी नहीं थी, आपको आपको कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी, तो फिर स्टोरी में वो इंडिया आ जाता है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जो चीज में पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये बात है कि हमारे यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस भी हैं आरजू जी। जैसे एक नेता हमारा कहते हैं कि जो वैक्सीन है बीजेपी की है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी पूरा कार्टून चैनल चलता है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कार्टून चैनल नहीं चलता, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। लेकिन मुझे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना कि कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि आपने जो बात बोली है, जो जर्नल ने बात बोल दी वो आखिरी है, वो लफ्ज आखिर है, आपने बोल दिया वो जनरल है, ये नहीं है इंडिया में अभी तक, थैंक गॉड जी। बिल्कुल, आपने जैसे अभी वैक्सीन की बात की, तो कल भी मैंने एक डिबेट देखी थी और शायद परसों भी इंडियन टीवी पे, तो उसमें एक तरफ की पार्टी यही कह रही थी कि जो वैक्सीन बनाई है वो सबसे पहले मोदी जी अपने ऊपर ट्राई करें और अपने मिनिस्टर्स पे ट्राई करें, तो आपके अपने ही लोग जो है वो भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन ठीक होगी जो भारत बनाने जा रहा है या बना चुका है? इनसे सवाल पूछा गया था किसी पाकिस्तानी ने, उसका जवाब देते हुए यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, तो पाकिस्तान में हजारा कम्युनिटी जो सिया मुस्लिम है बेसिकली, वो ज़्यादा तादाद में तो नहीं है लेकिन बहुत कम तादाद में है, और ये बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके में बसते हैं, और ये थोड़े बहुत गिलगित बाल्टिस्तान में भी बसते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा गिलगित बाल्टिस्तान का जो लद्दाख का इलाका है, बेसिकली लद्दाख में भी ऐसे कुछ लोग बसते हैं, बेसिकली सिया मुस्लिम होते हैं, आप समझ सकते हैं इनके चेहरे देखे होंगे आपने कैसे हैं, ये थोड़ा सा लगते हैं मंगोलियर, मंगोलियन टाइप के लगते हैं, मंगोलियन कहेंगे, चाइनीज़ नहीं है क्योंकि ये मंगोलियन है। और बेसिकली आपको पता होगा चंगेज़ खान के, मतलब ये चंगेज़ खान की कम्युनिटी के लोग हैं, जब चंगेज़ खान ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान पर, और जो पाकिस्तान, जो बेसिकली आज पाकिस्तान का एरिया है, जो इंडिया का एरिया था उस टाइम पे, वहाँ तक पहुँचा था चंगेज़ खान। आपको बता दें चंगेज़ खान ने, उस टाइम पे चंगेज़ खान की फ़ौजें आई थी, चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था, ये भी आपको बता दें। खान सरनेम आज मुसलमान लगाते हैं ये वहीं से आया है, ये बेसिकली चंगेज़ खान बुद्धिस्ट था और उसने वहाँ पर अटैक किया था, उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ रह गए थे, जो बाद में इन्हें मतलब जो है ये सिया मुस्लिम बन गए या बना दिया गया, ये भी आपको पता होगा कैसे होता है। तो दोस्तों इनको ज़बरदस्त तरीके से परेशान किया जाता है, बेसिकली इनका सिया होना पाकिस्तान में सिया मुस्लिम के लिए बड़ी परेशानी है, और यहाँ तक कि सिया मुस्लिम को काफिर भी बोला जाता है। तो वहाँ पर जो टारगेटेड एरिया है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर कट्टर तालिबानी सुन्नी मुस्लिम है, और आप जानते हैं सिया सुन्नी वॉर, ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। तो इनको बहुत लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ तो टारगेट होती हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में भी जो सिया है इन्हें माइनॉरिटी ही बोल दिया इमरान खान ने भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, तो आप समझ सकते हैं हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, और ये लोग तो बहुत टारगेट हुए हैं, अब बारी सिया की है, और अहमदिया मुस्लिम भी बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान में टारगेट होते हैं। तो सिया मुस्लिम हजारा पिछले कई लंबे समय से बेचारे मारे जा रहे हैं, और बेसिकली ये बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं, बेचारे मजदूरी कर रहे थे, उन एक ही परिवार के 5 लोग थे उसमें, एक जो मरे हैं 11 लोग में, उनको बांधा गया और बांध कर मारा गया, मतलब इतनी मतलब बहुत बेदर्दी से मारा गया है, मतलब आप वो पिक्चर्स देखेंगे तो आपको भी शायद आपके भी आँख से आंसू निकल आएंगे।
तो ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, और ये आपने देखा होगा हजारा किलिंग्स बहुत लंबे समय से हो रही है, और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कराची में भी काफ़ी सियाओं को टारगेट किया जाता है, और अभी आपने देखा होगा गिलगित बल्टिस्तान में भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में अब कुछ भी हो, आराम से इंडिया को करो और सीधा मुद्दा हटाओ। ये पाकिस्तानियों की, मतलब जो सुन्नी लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो मेन बेसिकली मेजॉरिटी है, वो बेसिकली आराम से लिपटा देती है। और इसे लश्कर जंगवी जो बेसिकली सियाओं को मतलब काफिर समझती है, उसने मारा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये पाकिस्तान में बहुत आसान है, और पाकिस्तान में ये बहुत आसानी से किया जाता है। तो गौरव आर्य ने यही बेसिकली बताया, और कुछ इसमें है नहीं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये सिया मुस्लिम के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। और सिया मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ हैं, अगर सिया कंट्री दो हैं उनके बाद तो वो इंडिया में है। इंडिया में आपको पता है सिया मुस्लिम ज़्यादातर बेसिकली लखनऊ यूपी में है, और ओवैसी भी सिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो हमेशा ये बात छुपाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कम करते हैं ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।